हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेकअप। मेकअप के प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम अपने चेहरे पर क्यों करते हैं? तो फ्रेंड, जो मेकअप के प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे चेहरे की सुंदरता को और भी ज़्यादा निखार देते हैं और हमारे चेहरे की जितनी कमियां होती, चाहे वो डार्क सर्कल हो, चाहे वो दाग धब्बे हो, उन सबको वो छुपाती हैं। और इसके साथ साथ आपको इस बात की भी जानकारी रहनी चाहिए कि आखिरकार मेकअप की शुरुआत हुई कहाँ से थी। तो फ्रेंड, मेकअप की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी रोम और मिश्र के लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। वहाँ की जो महिलाएं थी वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर थी और वहाँ पे ज़्यादातर जिस चीज़ का मेकअप किया जाता था वो है आँखों के मेकअप पर वो विशेष ध्यान देते थे। तो फ्रेंड, जो मेकअप के प्रोडक्ट में जो चीज़ें यूज़ की जाती है, हम अपना मेकअप करने के लिए जिस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं वो हमारे चेहरे पे किस तरीके से काम करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। कि जो सबसे पहले हम जो मेकअप में यूज़ करते हैं वो होता है क्लींज़र। क्लींज़र जो है वो हमारे चेहरे में चेहरे की जो गंदगी होती है उसको साफ़ करने के काम आता है। चाहे आपके चेहरे में धूल जमी हो, मिट्टी जमी हो, आप उस टाइम पे भी क्लींज़र का यूज़ कर सकते हैं। मेकअप के टाइम पे अगर आप मेकअप की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्लींज़र का यूज़ करना चाहिए। कॉटन में थोड़ा सा क्लींज़र लेके अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए। इसके बाद यूज़ किया जाता है कंसीलर। कंसीलर जो होता है वो हमारे चेहरे के डार्क सर्कल, ये हमारे आँखों के नीचे जो कालापन होता है वहाँ पे, और चेहरे के जो दाग धब्बे होते हैं उसको छुपाने का काम करता है। तीसरा होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन फ्रेंड बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहला जो फाउंडेशन होता है वो होता है लिक्विड फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन जो होता है तेलीय, जिसकी त्वचा अधिक तेलीय होती है उसको इस फाउंडेशन, ये वाला फाउंडेशन लगाना चाहिए, क्योंकि इससे उसके चेहरे पे और भी ज़्यादा चमक आती है। दूसरा होता है क्रीमी फाउंडेशन। क्रीमी फाउंडेशन जो होता है जिनकी त्वचा अधिक रूखी होती है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा होता है केक फाउंडेशन। ये दोनों त्वचा, चाहे वो तेलीय हो चाहे वो रूखी हो, दोनों त्वचा के लिए सही मानी जाती है। दोनों लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो आता है वो होता है फेस पाउडर। फेस पाउडर हमेशा अपने फेस के अकॉर्डिंग ही चॉइस करना चाहिए, क्योंकि इसका जो काम होता है वो होता है हमारे चेहरे का जो बेस होता है वो उसको सेट करता है। फाउंडेशन जो होता है वो हमारे चेहरे के फेस को बनाता है और जो फेस पाउडर होता है वो हमारे चेहरे के फेस को सेट करता है, जो बेस होता है उसको सेट करता है। इसके बाद आपको बेसिक चीज़ें पता ही है कि हम लिपस्टिक, लाइनर, आई शेडो, ये सबका यूज़ करते हैं। ये तो आप नॉर्मली घर में करते ही होंगे। अब आती है बात टाइप्स ऑफ मेकअप की, कि किस तरह के मेकअप होते हैं। सबसे पहला जो मेकअप होता है वो होता है डे मेकअप। डे मेकअप में हमेशा ही हल्का मेकअप करना चाहिए। ज़्यादा हाईलाइट मेकअप करने से वो दिन में दिखाई ज़्यादा, आपके चेहरे पर मेकअप ज़्यादा दिखने लगता है। उसके बाद आता है इवनिंग मेकअप। इवनिंग मेकअप जो होता है हमेशा हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके ऊपर जो लाइट पड़ती है उससे आपका चेहरा जो है बहुत अच्छा दिखता है और आपका मेकअप भी सही से दिखाई देता है। हल्का मेकअप अगर आप इवनिंग में करेंगे तो अच्छे से आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देता। और ज़्यादातर इवनिंग मेकअप आप सभी लोग जानते हैं कि पार्टी शादी में किया जाता है। इसके बाद जो मेकअप किया जाता है वो होता है शीन मेकअप। शीन मेकअप में ज़्यादातर चमकीले मेकअप का यूज़ किया जाता है। इसमें देखा होगा आपने कि बहुत से लोग जो मेकअप करते हैं उसके चेहरे में जो शाइनिंग आती है वो इसी मेकअप की वजह से आती है। ये मेकअप जो होता है पार्टी वगैरह में, शादी वगैरह में कर सकते हैं आप। इससे चेहरा जो होता है आज ज़्यादातर हाईलाइट दिखने लगता है, चेहरा बहुत ज़्यादा चमकता है आपका। इसके बाद जो आता है वो होता है टीवी स्टेज मेकअप। टीवी स्टेज मेकअप जो होता है वो आपके कपड़े और हेयर स्टाइल पे डिपेंड करता है। इन दोनों के अकॉर्डिंग ही आपका जो है वो मेकअप किया जाता है। इन दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है आपके मेकअप में। तो ये ज़्यादातर तो जो मेकअप होता है वो मॉडल्स करती हैं। तो बस आज जितनी मेरी नॉलेज थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।